सलमान खान इन दिनों काफी पेन में है। सलमान को इन दिनों ऐसा पेन हो रहा है जिससे एक नॉर्मल इंसान सुसाइड तक कर लेता है। आखिर किस दर्द से जूझ रहे हैं सलमान, सलमान को किस बीमारी ने घेरा है, इन सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे हमारे फर्स्ट सेगमेंट न्यूज ब्रेकर्स में। सलमान को लगा है एक बड़ा दर्द, सलमान कुछ खा नहीं सकते, सलमान कुछ पी नहीं सकते, सलमान इन दिनों काफी मुश्किल में है। सल्लू को आजकल वो दर्द है जिसमें एक नॉर्मल मैन इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड कर ले। जी हाँ, सुसाइड। सलमान अपनी लाइफ के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जिसमें इंसान सुसाइड कर लेता है। सलमान इन दिनों एक ऐसे ही जानलेवा दर्द से जूझ रहे हैं और इस दर्द का नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, अ कंडीशन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टेरेबल पेन नोन टू मैन। अक्सर सलमान को आपने सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ 10-10 गुंडों से लड़ते देखा होगा, उनके दांत तोड़ते देखा होगा, लेकिन आज सलमान इस दर्द की वजह से इतने लाचार हो गए हैं कि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए US जाना पड़ रहा है। मुंबई के एक इंग्लिश डेली की माने तो सलमान को ये प्रॉब्लम 7 साल पहले हुई थी, तब एक ट्रीटमेंट से सलमान की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अब अचानक 3 महीने पहले उनका ये दर्द फिर से लौट आया। तब से ना तो सलमान ज्यादा ठंडी चीज खा सकते हैं और ना ही ज्यादा गर्म, और अगर वो कुछ खाते भी हैं तो उनकी जॉ लाइन पेन करने लगती है और इसकी वजह से वो लास्ट वीक बांद्रा के लीलावती हॉस्पिटल भी गए थे। वहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मुंबई के ही चरनी रोड पर सैफी हॉस्पिटल जाने की एडवाइस दे दी। सैफी हॉस्पिटल में सलमान को एंजियोग्राफी कराने की सलाह दी गई और अब वो US ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। सोहेल ने भी ट्रीटमेंट के लिए उनके US जाने की खबर को कंफर्म किया है। हालांकि बॉडीगार्ड सलमान से जब उनके इस दर्द के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक इंग्लिश डेली को दिए गए इंटरव्यू में अपनी जिंदा दिली का सबूत देते हुए कहा कि वो इस दर्द की वजह से सुसाइड तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ अगर उन्हें कभी ज्यादा दर्द होता है उसके लिए सबसे अच्छी दवा है अल्कोहल। सलमान ने ये भी बताया कि उन्हें इस ट्रीटमेंट के लिए किए जाने वाले MRI टेस्ट से काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। सलमान ने पिछले हफ्ते मीडिया में उनके हार्ट अटैक की रूमर्स को भी पूरी तरह से नकार दिया। वैसे खबरें आ रही हैं कि सलमान को ये दर्द लगातार फेशियल सर्जरी करवाने की वजह से उठा है जो वो यंग दिखने के लिए करवाते रहते हैं। वेल, सच्चाई क्या है ये तो सलमान ही जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अब वो ना तो बॉडीगार्ड के प्रमोशंस पर नजर आएंगे और ना ही गणपति फेस्टिवल और ईद सेलिब्रेट कर सकेंगे। वेल, वी होप कि सलमान जल्द ही ठीक होकर घर वापस आ जाएं और बॉलीवुड को देख कई और हिट फिल्में। Zing.